ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਥਿਓ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਆਣੀ ਹੈ ਓਏ ਜਨਾਬ ਊਂਠ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੋ ਅਭੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ अब ये लकड़ जाएगी बाजार में फॉर सेल। तो अब एक मोहतरम एक और भी हैं जो कि ये सामने आ गए हैं ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर, के हाल ये जनाब? थोड़ी सी माउंटेन लाइफ, पहाड़ों की जिंदगी। सर लकड़ सेल को बेचने वाले के या अपने इस्तेमाल वस्ती है? अपने इस्तेमाल वस्ती है। अच्छा जी, ये लकड़ इन्होंने सेल नहीं करनी, ये अपने इस्तेमाल के लिए लेके जा रहे हैं, तो लगता नहीं है ऐसे। वालेकुम सलाम सर, के हाल थोड़े, कैसी सेहत हुई है? तो ये जनाब दो ऊँट बल्कि तीन ऊँट गए हैं, काफ़ी टफ लाइफ है इन लोगों की, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं ये। तो मुझे लगता है कि मेरा आज जागने का प्रोग्राम ठीक था, मैंने गलती नहीं की जाकर, मुझे काफ़ी अच्छा डेटा मिल गया है, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाने का मौका मिला है मुझे। तो अब ये सिर्फ पानी वगैरह पी के यहाँ से निकलेंगे, पानी पीने के लिए रुके हैं यहाँ पर ये। तो जब ये यहाँ से रवाना हो गए तब मैं थोड़ा सा एक क्लिप बनाऊँगा, तो तब तक मैं इन दोस्तों से बात करता हूँ, इनसे कुछ इनके हवाले पता करता हूँ। ये भाई जो है ये पानी पीने के लिए यहाँ रुके हैं, ये चश्मे का पानी आ रहा है चश्मे से। यार गाल सुन, अपने मजीद सफ़र के लिए अपने घरों की तरफ। तो दरअसल ये दोस्तों ने मुझसे थोड़ा सा झूठ ये बोला है कि ये लकड़ अपने इस्तेमाल के लेके जा रहे हैं, हालांकि ये लकड़ इनके अपने इस्तेमाल के नहीं है, ये लकड़ बेचेंगे जाके, सेल आउट करेंगे। तो बाकी इनकी मेहनत है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये इनकी मेहनत होगी सारी, ये चोरी के ज़ुमरे में नहीं आती मेरे ख्याल में, क्योंकि ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही ये ना कोई मालिक है इस चीज़ का। जंगल है, पहाड़ है, तो यहाँ जिसका जो बस चले वो कर सकता है, अपनी हिम्मत है सबकी।